नमस्कार, लोकतेज के डिजिटल पेज पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहली जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ, अगर आप WhatsApp का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि अगर आप WhatsApp पे सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च कह रहा है। वे शोधकर्ताओं ने ये पाया है, कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर स्टडी रिलेटेड एक पत्रिका ने ऐसी खोज की और उन्होंने ऐसा बताया कि भाई जब हम WhatsApp पे ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो उसकी वजह से हमारा अकेलापन दूर हो जाता है, हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से हम अपने समाज में सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं और ये चीज़ बड़ी अहम होती है। और इसीलिए शोधकर्ताओं ने पाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्टेड रहना हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बात है। वहीं पे आपको ये बताना चाहता हूँ, एज हेल्थ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे अगर आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एंगेज हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ आप बातों में हैं, रिलेशन में हैं और जिसकी वजह से आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं और तो आप नई चीज़ें सीखते हैं और इसी की वजह से आपका तनाव कम होता है और कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत ही खुश रहते हैं, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। और ये खोजा हमारे शोधकर्ताओं ने, अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 200 लोगों का चयन किया जिसमें से 158 जितनी महिलाएं थी और 42 जितने पुरुष थे और इन पे शोध करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये WhatsApp का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से इनके हेल्थ पे कैसी असर होती है। तकरीबन ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी उम्र जो थी वो 24 साल तक की थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस उम्र में लोग WhatsApp पे, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उसी उम्र के लोगों को इस शोध में सम्मिलित किया गया था। और रिसर्च में पाया गया कि इसकी लोकप्रियता और ग्रुप चैट के चलते औसतन 55 मिनट तक प्रत्येक दिन WhatsApp का इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जाता था। तो भाई मतलब में WhatsApp का इस्तेमाल करना आपके लिए लाभदायी हो सकता है, बस बशर्ते ये ज़रूरी है कि आप जो ग्रुप सिलेक्ट करें वो बड़ा ही आपके लिए एक्यूरेट हो, आपके कामकाज के संदर्भ में उपयोगी हो और जिन लोगों के साथ आप संबंध बनाते हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने पॉजिटिव वाइब्स आपको देते हैं। भाई दूसरी खबर ये आई है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और ये खबर जो है पश्चिम बंगाल और गुजरात के लोगों के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हर साल ये जल स्तर की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। संसद में हमारे मंत्री जी ने इसके बारे में जानकारी दी। जो आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार जी ने ये चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और खास तौर पे इसी की वजह से तटीय क्षेत्रों में सुनामी, ऊंची लहरों के कारण तूफान, ये सब चीज़ें आने की संभावना बढ़ती जा रही है। जहाँ पे पश्चिम बंगाल में 5 मिलीमीटर तक का स्तर हर साल बढ़ता है, वहीं पे गुजरात के बॉर्डर्स पे, गुजरात में जहाँ समुद्र का तल है वहाँ पे 2.5 मिलीमीटर की रेंज में समुद्र का जल स्तर हमेशा बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान 0.6 डिग्री के वार्षिक ट्रेंड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे जमीन में पानी का स्तर कम होता जा रहा है वहीं पे समुद्र का तल बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बरसात का पानी है उसे वाटर हार्वेस्टिंग करते हुए, वाटर रिचार्ज करते हुए हम वापस जमीन को ही सौंप दें ताकि ये जो जल स्तर बढ़ता है वो कहीं ना कहीं कम होने लगे और हमारी पृथ्वी का तापमान भी जो है या पानी की जो किल्लत है वो भी दूर हो जाए। तीसरी खबर ऐसी लेकर आया हूँ जिसे GST के साथ रिटर्न भरने वाले जो कहते हैं कि यार नाक में दम आ जाता है इसे हर महीने भरते भरते, उनके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि GST पर गठित मंत्रियों के समूह ने अब ये एक बैठक में, शनिवार को जो बैठक हुई उसमें ये तय किया है, व्यापारियों ने किसी तिमाही में कोई लेन देन का अगर नहीं किया है और वह अपनी नील रिटर्न SMS के जरिए दाखिल कर सकेंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अब रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा। यानी कि आप SMS से दाखिल हो सकेंगे GST के रिटर्न, ये एक अच्छी खबर है। यानी कि SMS के जरिए आप अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं GST का, तो ये खबर जो है आपके लिए बड़ी काम की है। तो इसके मद्देनज़र ज़्यादा जानकारी के लिए अपने CA को डेफिनेटली आप संपर्क करना मत भूलिए। लोकतेज के डिजिटल पेज पे इसी तरह से आपके साथ संपर्क करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।